हेलो बच्चों, दिस इज़ मनोज नायक फ्रॉम डीएनए क्लासेस ग्वालियर। और हमारी जो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका आरबीटीएस रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज 25th है और मेजर टेस्ट 2 है। तो आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं। आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका सॉल्यूशंस जरूर देखिए। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट पर विचार करते हैं। कंसीडर द कोलिजन डिपिक्ट इन फिगर टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेज एम वन इक्वल टू एम टू। यहाँ पर दो बिलियर्ड बॉल हैं, एम वन और एम टू, दोनों इक्वल मास की हैं। और बोला गया है फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड क्यू, इसको क्यू बोलते हैं, ये टारगेट है। ओके, फिर बोला गया है द बिलियर्ड प्लेयर्स वांट टू सिंक द टारगेट बॉल इन कॉर्नर्स पॉकेट। ये बिलियर्ड प्लेयर क्या करना चाहता है, एम वन से इसको एम टू को स्ट्राइक करेगा और वो चाहता है कि ये किस में गिर जाए, जो पॉकेट है उसमें गिर जाए, कॉर्नर पे जो पॉकेट है उसके अंदर गिर जाए। ओके, कितना एंगल बनाते हुए थीटा टू, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा टू एंगल बनाते हुए 37 डिग्री का ये एंगल है, इस एंगल पर यहाँ का ही कॉर्नर रहा होगा। ओके, यहाँ पर कोई कॉर्नर पे कोई पॉकेट रहा होगा, उसमें गिराना है इसको। कोलिजन इलास्टिक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इलास्टिक कोलिजन है। फ्रिक्शन और ये रोटेशनल मोशन को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये थीटा वन क्या होगा, एम वन जो उसको क्यू बोला था, वो इस लाइन से कितने एंगल पर यहाँ पर जाएगी, क्योंकि एम टू तो थीटा टू एंगल 37 बनाते हुए वो कॉर्नर पे जो पॉकेट था उसके अंदर चली गई है, राइट। कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ही, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो तो हर तरह के कोलिजन में लगता ही है। दूसरा, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1, मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ, इसको मैं u1 बनाऊँ, वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ, तो मुझे cos थीटा 1 cos थीटा 2 अलग से इसमें लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। m1 u1 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनली आप देखो कोलिजन के बाद में m2 और क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस, यहाँ पर फिर से ये पहला वाला कौन सा था, ये m1 था। ओके, तो यहाँ आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। m1 m2 तो इक्वल ही है, तो इसलिए ये तो सिंपल ये आ गया, u1 इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, राइट। इसका यूज हम आगे कर लेंगे। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, एक काम करें, u1 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अपने को मिल रहा है, क्यों ना इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो u1 वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, u1 स्क्वायर होगा। ओके, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर इक्वल टू u1 स्क्वायर। अब u1 क्या, ये रहा v1 प्लस v2 वेक्टर फॉर्म डॉट, ये कितना रहा बोलो, ये भी रहा v1 प्लस v2। ओके, अब इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। यहां क्या चल रहा था, u1 स्क्वायर, राइट। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा करने से मुझे cos थीटा 1 और cos थीटा 2 के कंपोनेंट नहीं लेने पड़े। अब आप देखना, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन करता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनल क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। मास तो सेम है ना, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखना, यहां पर सेकंड इक्वेशन है, u1 स्क्वायर की वैल्यू ये आई है और फर्स्ट में u1 स्क्वायर इतना था, दोनों को इक्वल कर दें तो आप देखोगे, इक्वल करोगे ना तो ये v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इसमें भी v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। इसका मतलब v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब v1 v2 परपेंडिकुलर हैं, तो इस डायग्राम में देखो v1 की डायरेक्शन ये है, v2 की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स ये जो थीटा 1 है प्लस थीटा 2 है, इनका सम 90 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अब आपको थीटा 2 तो गिवन ही है ना,
कितना गिवन है 37, ये 90, थीटा 1 कितना आ गया 53, यही हमारा आंसर है सी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, गुड। चलो एक और क्वेश्चन पर आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉडी इज इनिशियली रेस्ट, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, यू इक्वल टू जीरो, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओके वेरी नाइस, द पावर डिलीवर्ड इट एट टाइम टी, पावर शक्ति टाइम के कौन सी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पूछा है, तो इसको हम डायमेंशन से करें थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखना, मैं मल्टीपल वगैरह नहीं लूंगा, सीधे सीधे पावर इक्वल टू, आप बताओ फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक बात है, पावर को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिवाइड बाय टी, राइट। अब देखना यहां पर बोला गया है एसिलेशन कॉन्स्टेंट है, एसिलेशन कॉन्स्टेंट है तो फोर्स भी कॉन्स्टेंट हो गया, ओके तो इसका मतलब ये फोर्स तो कॉन्स्टेंट है हमारे लिए। अब ये जो एस बचा, एस और फाइंड कर लो, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब यू तो जीरो दिया था, राइट, तो अच्छा एसिलेशन ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर आ गया, तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आई, एस की जगह टी स्क्वायर बाय टी, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, दैट मीन्स अवर आंसर इज बी बॉम्बे, ओके सिंपल राइट। आइए क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 केजी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2, ए इक्वल टू 5 यूनिट दिया है कोई भी, व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2 मीटर। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2 है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी एक्स का फंक्शन मिलेगा इसमें, तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ डीएक्स होता है, राइट। अब हम यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट क्या दी है, डिस्प्लेसमेंट की 0 to 2, फोर्स को एम ए लिख सकते हैं, ए मतलब ए डैश ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट वही डीएक्स है, ए डैश क्यों ले लिया, क्योंकि ए की ए यहां पर भी कुछ दिया है तो उससे कुछ डिफरेंट हमें ए डैश सिंबल लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए। चलिए ए डैश निकालते हैं, आपको मालूम है जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है तो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए डैश इक्वल टू वी डी वी ओवर डीएक्स। चलो कर लेते हैं, वी की वैल्यू क्या है, ए एक्स टू द पावर 3/2, डी वी ओवर डी एक्स मतलब इसी वी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है, करते हैं डिफरेंशियल, 3/2 कम्स फर्स्ट, ए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो हमारे पास आया 3/2 ए इंटू ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, बिल्कुल सही है, ये आपके पास 1/2 हो गया और ये 3/2 पहले से ही था, ऐड कर लो 4/2 यानी एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, तो ये हमारे पास रहा ए डैश। अब हम यहां रख देते हैं इसको, तो वर्क इक्वल टू मिलेगा, देखते रहिएगा, 0 to 2 मास इंटू ए डैश, ए डैश कितना है 3/2 ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और एम इंटू 3/2 ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 रहेगा और लिमिट 0 to 2 रहेगी, 3 से 3 मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ बचा मेरे पास एम ए स्क्वायर बाय 2 और लिमिट ओपन करूँगा तो एक्स की जगह 2 पुट करूँगा, 2 to the power 3 क्या हो जाएगा 8, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है वो आ रहा है 4 ma square। अब इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और आपका फाइनल आंसर मिल गया 4 into मास की वैल्यू आप क्वेश्चन से देख लो 0.5 kg था और ए की वैल्यू 5 दे रखी थी, 5 का स्क्वायर कर दीजिए,
ठीक है, 25 फोर जा 100 हो गया, ठीक है, और 100 इंटू 0.5 आपके पास आ गया है 50 जूल। यही हमारा आंसर है बी बॉम्बे। क्लियर? ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अ मास ऑफ 5 केजी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ओके, इफ द मास मूव्स विद 300 रिवोल्यूशन पर मिनट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम लिखा रहे, दो वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में, राइट। अब जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 1/2। एम कितना है देखो, 5 kg है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ओमेगा को लिख सकता हूं मैं सर्कुलर मोशन में 2πn। चलो रखता हूं, तो यहां पे 2 का स्क्वायर करना, पहले लिख दूं मैं 2πn का स्क्वायर। ओके, चलो 5/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। इधर आ जाओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर। अब एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, अब एन की वैल्यू निकालना। एन दिया हुआ है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो। एन की वैल्यू 300, एन 300 है लेकिन पर मिनट है, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 60 से डिवाइड कर लो। इसका स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है, तो ये आ गया 5/2 इंटू 4 पाई स्क्वायर, और ये 5 आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास 250 पाई स्क्वायर आंसर आ रहा है। अवर आंसर इज ए, ठीक है ना, सिंपल है। 2 पाई एन था, इसका स्क्वायर, एन की वैल्यू गिवन है, बस वो किसमें दी थी, एन की वैल्यू रिवोल्यूशन पर मिनट में दी थी, उसको हमने पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। चलिए आ जाओ 5th क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजिशन R1 इक्वल टू इतना दिया है, और आप देखोगे R2 इक्वल टू इतना दिया, मतलब यहां से यहां मूव कर रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स ये दिया है, बल ये दिया है, तो वर्क डन पूछा है। वर्क इक्वल टू होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा आर हो गया, तो एफ डॉट डेल्टा आर। आ जाओ, एफ है कितना, वैल्यू पुट कर देते हैं 4i प्लस जे प्लस 3k, ये फोर्स है आपके पास, डॉट डेल्टा आर। अब देखना, जो पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1, क्योंकि यहां से यहां गया है, तो फाइनल टू इनिशियल माइनस कर दो। चलो माइनस करो, 49 माइनस 3i कितने हो गए, 11i, ठीक है। 13 माइनस 2 कितने हो गए, प्लस के 11j, इधर 9 माइनस, फिर माइनस 6, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 k कैप। ओके ओके, चलिए अब इसको हम जस्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। 11 4 जा 44, इधर आ जाओ 11 1 जा 11, प्लस 15 3 जा 45, ऐड कर दो सबको, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है, 100 जूल। सिक्स्थ पे आ जाए, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स दिया है, और 2 kg मास दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो बड़ी, ये तो बड़ा सिंपल है, वही क्वेश्चन है ऐसे ही। इंटीग्रेशन FdX लगा लो, इंटीग्रल करो x के रिस्पेक्ट में, और लिमिट ओपन कर देना, ठीक है। इंटीग्रल करोगे 7 का 7x होगा, 2x का 2x² / 2 होगा, प्लस 3x² का 3x³/3 होगा, और लिमिट में क्या लगा रहा हूँ, 0 to 5, 2 से 2 काटो, 3 से 3 काटो, x की जगह 5 लिख दो, 7 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5³, कैलकुलेट करिए, ये आपके पास आ गया है 35 माइनस 25 प्लस 125, तो हमारा आंसर हो गया 135 जूल। ओके, सो अवर आंसर इज डी डेली। क्लियर? चलो आ जाओ
सेवंथ पे आ जाएं, पार्टिकल ऑफ मास एम एट रेस्ट, अब एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है इनिशियली, ठीक है, यू इक्वल टू जीरो, इस पे फोर्स लग रहा है टाइम टी के लिए, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल टी, तो टी टाइम के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी टाइम के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी दे रखी है, जीरो। चलिए टी टाइम के बाद हम माने कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है टी टाइम के बाद, वो यहां पुट कर देना है। तो फॉर्मूला लगा लें, वी इक्वल टू क्या, यू प्लस ए टी, ओके, यू तो जीरो है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास हो जाएगा इनटू टी, रख दो यहां पर एफ टी बाय एम इसका होल स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारे पास क्या मिला बोलो, हाफ, एक एम कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम, यही आंसर है, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम, मीन्स आंसर इज बी बॉम्बे, क्लियर, ओके। चलो एट्थ पर आ जाएं, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एस, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये के इक्वल टू ए एस स्क्वायर दे रखा है, एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है यहां, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स पूछा है, तो एक काम करें, आपको मालूम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही तो वर्क होता है, और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल के टर्म में लें तो डी के ले सकते हैं इक्वल टू एफ डी एस लिख सकते हैं इसको, तो एफ इक्वल टू फोर्स निकालना है डी के बाय डी एस, डी बाय डी एस, और के की वैल्यू क्या गिवन है, ए एस स्क्वायर, बोलो कुछ नहीं, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, हमारा आंसर हो गया टू टू ए एस, राइट, सो अवर आंसर इज टू एस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही तो पूछी थी, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फोर्स पूछा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं W इक्वल टू एफ डेल्टा एस, तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई टू ए एस, ओके। चलो अब आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन, मिटा दूं उसको, ओके, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स दे रखा है 4500 न्यूटन, अ होइस्टिंग केबल एंड रील्स इट इन एट द रेट ऑफ 2 meters per second, ये वेलोसिटी है, अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन, पावर पूछा है, पावर इक्वल टू एफ वी, एफ दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बस एफ और वी का, ठीक है, तो 900 आ रहा है, 900 वॉट आ रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 kilowatt, राइट, ये आंसर हो जाएगा। चलो टेंथ पे आ जाओ, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो एक ओवर ब्रिज पे जा रहा है, ओवर ब्रिज कैसा होता है, ऐसा ऐसा जा रहा है, इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है, द ड्राइवर मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट स्पीड, वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड स्पीड यहां पर कॉन्स्टेंट है, स्पीड क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट है, चाल नियत है, अब वो कहता है मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे इस पर असेंड हो रहा है, चढ़ रहा है, तो जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक यहां तक नहीं आ जाता, चढ़ना ये और उतरना ये, तो उतरने की बात नहीं कर रहा, केवल ओवर ब्रिज पर चढ़ने की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो जब ये चढ़ेगा ऊपर तो नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल हिंदी में कहते हैं, तो ये घटेगा बढ़ेगा ऐसा कुछ पूछा है, तो एक काम करते हैं, हम जनरल इसका फॉर्मूला बनाते हैं, मान लो ये है, यहां पर आ गया ये मोटरसाइकिलिस्ट और ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता हुआ, तो देखते हैं यहां पर एक तो इसका वेट लगेगा एम जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये सेंटर है इसका, ठीक है, ओ, अब जरा नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ये
सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। आर डैश मान लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आर रेडियस मान चुके थे हम। एम जी का कंपोनेंट कर लें इधर, क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो देखो आर डैश नॉर्मल रिएक्शन है और एम जी कॉस थीटा टूवर्ड द सेंटर है। अब जब ये ऐसे ब्रिज पे चढ़ रहा है, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज ऐसा सर्कुलर होता है, ठीक है, शेप उसकी सर्कुलर होती है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। अब क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा ये नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस थीटा के रिजल्टेंट से। ये जो रिजल्टेंट है ना, ये टूवर्ड द सेंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब एम जी कॉस थीटा और आर डैश में से एम जी कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, जिससे कि नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर मिल जाए और इसको ऐसे घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, आपको पता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर हो गई रेडियस। ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है एम जी कॉस थीटा और अपोज कौन कर रहा है, आर डैश। ओके, ये नेट फोर्स हुआ, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तभी तो वो सेंटर की तरफ आएगा नेट फोर्स। अब यहाँ से ये आर डैश नॉर्मल रिएक्शन है, आर डैश निकाल लूँ मैं तो आर डैश आ रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट किया एम जी कॉस थीटा, इसको यहाँ शिफ्ट किया माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देखिएगा ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई पूरी। अब आर डैश सीधे सीधे डिपेंड किस पे किया, कॉस थीटा पर। अब देखो ना, जैसे जैसे अभी जब ये यहां पर था तो एंगल अप्रोक्स 90 था, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये एंगल वर्टिकल से डिक्रीज होता जाएगा। पहले 90 था ये, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये थीटा जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे आएगा ब्रिज की, ये एंगल वर्टिकल से जीरो हो जाएगा। आपको मालूम है कॉस जीरो की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है, यानी जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगी, और जब ये यहाँ रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम से कम होगी, मिनिमम होगी या जीरो होगी, क्योंकि कॉस 90 यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम कह सकते हो क्योंकि कॉस 90 जीरो है, लेकिन ये वाली टर्म भी तो आ रही है ना, तो एग्जैक्ट जीरो तो होगी नहीं। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो एंगल क्या हो गया, कम होता गया, एंगल कम होता गया तो कॉस थीटा इनक्रीज होता गया, ठीक है, और इनक्रीज होते होते थीटा जैसे ही जीरो हुआ कॉस जीरो मैक्सिमम हो गया, राइट। तो इसका मतलब हो गया आर डैश मैक्सिमम होगा कहाँ पर, यहाँ पे। तो इसका मतलब आर क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है, पहले कम था जैसे जैसे ऊपर आया आर इनक्रीज हो रहा है, राइट। तो एंगल, एंगल डिक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा इनक्रीज हो रहा है, इसलिए आर डैश भी इनक्रीज हो रहा है, तो अवर आंसर इज इनक्रीज। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कि जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो दो तरह के ब्रिज बताए जाते हैं, एक कॉन्वेक्स ब्रिज और एक कॉनकेव ब्रिज, और यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन या यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, किस में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगी, किस में मिनिमम होगी, या किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, ऐसा पूछते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ये कंपेयर नहीं करवा रहा कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, ये ऑलरेडी कॉन्वेक्स ब्रिज है और उस पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ये पूछ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें और इसमें अगर कंपेयर करूँ मैं, कंपेयर करूँ कि यहाँ पर जब ये मैक्स यहाँ पर आ गया ठीक ऊपर, और इसमें कॉनकेव ब्रिज में ठीक यहाँ पर आ गया, तो बताइए दोनों में कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो फिर वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कॉनकेव ब्रिज में ज़्यादा होगी। रीज़न आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर मैं आर रेडियस मान लूँ, इसकी स्मॉल आर रेडियस मान लूँ, जब ये यहाँ पे था तो आप देखो नीचे एम जी था, ठीक है, ऊपर आर, आर वन था, ठीक है, या आर था नॉर्मल रिएक्शन, जिसको घूमने के लिए क्या चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, तो एम जी माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, आप देख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये किसके केस में आया, ये
कॉनवेक्स के केस में आया। अब यही बात अगर मैं कॉनकेव के केस में लूं तो देखो यहां पर क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये यहां पर इसका क्या रहेगा वेट, नॉर्मल रिएक्शन तो ये है ही ऊपर आर, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए नेट, तो आर ज्यादा होना चाहिए इसमें, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा एम भी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से अगर मैं आर निकालूं नॉर्मल रिएक्शन तो कितना आ रहा है एम भी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। तो आप देखो कॉनकेव ब्रिज में प्लस आ रहा है, ठीक है, कॉनवेक्स ब्रिज में माइनस आ रहा है, मतलब ये कॉनकेव यहां पर ये कॉनवेक्स है तो कॉनवेक्स में कम होती है और ये कॉनकेव है तो कॉनकेव में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होती है। फिर से आप समझ लो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कॉनवेक्स ब्रिज है उस पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा पूछे कि एक कॉनकेव ब्रिज है और एक कॉनवेक्स ब्रिज है, दोनों में अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट ठीक ऊपर आ चुका है तो बताइए कहां पर, दोनों को कंपेयर करवा रहा है, कहां पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो फिर कॉनकेव ब्रिज के अंदर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होती है, कॉनवेक्स पर कम होती है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, तो अब अगला वाला पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11th पर आते हैं। क्वेश्चन 11th तो थ्योरेटिकल है, आपने सर्कुलर मोशन में थ्योरी पढ़ी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है वर्टिकल सर्कल में √5 gl, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है √gl, और जो मिडिल पॉइंट होते हैं उस पर √3 gl, राइट। अब आ जाओ 12th। ट्वेल्थ में टू कार्स ऑफ मासेज M1 एंड M2 आर मूविंग इन ए सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 R2, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक्स कंप्लीट सर्कल्स इन द सेम टाइम इंटरवल T। सेम टाइम में कंप्लीट सर्कल बना रही है, मतलब इनका टाइम पीरियड सेम है, तो इनके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है AC, हम फॉर्मूला लगाएं ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं ना, ओके, टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, तो सिंपल AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, तो A1 by A2 दैट इज R1 by R2, दिस इज अवर आंसर, ओके। यस 13 पर आ जाओ। इंटरनल फोर्सेस इन ए सिस्टम कैन चेंज, इंटरनल फोर्स आंतरिक बल जो होते हैं वो क्या चेंज करते हैं, देखिए इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर फिर क्या लगाएं B, बॉम्बे, ठीक है ना। चलो 14 पर आ जाओ। यस क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स। यहां पर 4m मास का पार्टिकल है, इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। अब ये दो टुकड़ों में टूट गया, इसका मास m, इसका मास m, इसके तीन टुकड़ों में टूट गया, तीन टुकड़ों में से दो टुकड़े इधर जा रहे हैं सेम स्पीड से, राइट, और ऐसे जा रहे हैं कि इनके बीच में एंगल 90 है लिखा हुआ है, आप देखो परपेंडिकुलर जा रहे हैं। मिनिमम एनर्जी रिलीज, तो m और m ये 2m हो गए, तो चार में से 2m चले गए, 2m और बच गया, वो 2m यहां कहीं जा रहा होगा वीडियस वेलोसिटी से। तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटरनल फोर्स के कारण केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी हुई कि वो जो है फट गया, फटने में काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व करा लें पहले, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम इसका, अब इसका मोमेंटम अलग अलग निकालने के बजाय हम वी ये एम बी और एम बी का रिजल्टेंट ले लो इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट लोगे तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट अगर ये दोनों बराबर हैं तो √2 times आएगा √2 mv इस डायरेक्शन में। तो ये इसका मोमेंटम हुआ √2 mv और इसका मोमेंटम हुआ 2m into v-. अब v-, अपने को पता नहीं है, वही निकालना है, तो एक काम करें इसको इधर शिफ्ट कर लें, √2 mv इक्वल माइनस का हो गया इक्वल टू 2m
v dash. Mass cancel करो, v dash कितना आ गया? Minus root 2 v by 2. तो ये हो गया आपके पास v by root 2, ठीक है? v by root 2. अब ये v dash आ गया, अब actually इसने पूछा है, total kinetic energy कितनी release हुई? तो total kinetic energy होती है, तीनों particle की kinetic energy, इसकी, इसकी और इसकी. तो इसकी कितनी हुई? Half mv square. इसकी कितनी हुई? Half mv square. और इसकी कितनी हुई? Half 2m into, ये minus v by root 2 है. तो speed की बात करेंगे, तो minus sign को छोड़ देंगे, v by root 2 square. Minus sign तो केवल ये बता रहा है कि इसकी जो direction है, वो इस root 2 mv के opposite है. चलिए, इसी को solve कर लिया जाए, 2 से 2 cancel कर दूं, तो ये half mv square, mv square हो गया. और आप इधर देखेंगे, ये mv square by 2 हो गया, तो आंसर क्या हुआ? 3 mv square by 2, यही हमारा आंसर है, b बॉम्बे, 3 by 2 mv square, clear? ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना. चलो 15th पर आ जाएं, 15th में a system comprises of two small spheres with same mass m. ये system में एक spring है जिसकी original length L0 थी, जब ये इसको compress या stretch नहीं किया था normal position में, तब spring constant k है, इसको m mass से चिपका दिया, m mass चिपका दिया, दोनों को v velocity से इधर pull किया, छोड़ दिया, मतलब ये दोनों v velocity से जा रही हैं. तो बताना इसे मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. देखिए स्प्रिंग के केस में क्या होता है कि जब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जो mv वेलोसिटी से जा रहा है, इनके कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. यही काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में. तो सिंपल हम यही फार्मूला अप्लाई कर लें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दूसरे की भी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, मतलब आंसर हुआ एम वी नॉट स्क्वायर बी बॉम्बे. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है ना. चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 16th पर. क्वेश्चन 16th में आप देखिएगा, इसी में देख लो, सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग. अब ये सिंपल पेंडुलम विदाउट डैम्पिंग ऐसे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस देन मैक्सिमम, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली, एक्स नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो जब ऐसे मूव करेगा ना, तो एक्चुअली इसको इसके अंदर एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, ए, ये सब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये इस तरह से जब ऑसिलेशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ है, ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है. अब यहां पर दो एक्सेलरेशन है, एटी और ये एसी, एसी टुवर्ड द सेंटर और एटी टेंजेंशियली. एसी और एटी का रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा, ए. तो ऐसा अब उसने पूछा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किससे डिपिक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो इसी से डिपिक्ट हो रहा है ना, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये हो गया आपके पास एसी, ये हो गया आपके पास एटी, और एसी और एटी का रिजल्टेंट हो गया ये, तो यही हमारा आंसर सही है, सी, ठीक है. चलो अगले पे आ जाओ, 17th पर. फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, वर्क डन. अब इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, W इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, कर लोगे. अब इसमें क्या था, यहां पर करेक्शन था मेरे ख्याल से, करवा दिया क्या होगा, ये 2 था एक्चुअली यहां पर, तो अब आसानी से 9 जूल आ जाएगा माइनस का. 18th पे आ जाओ, टू होमोजीनियस स्फेयर्स ए एंड बी, ओके, of mass m and 2m, radii 2a and a are placed in touch. ऐसे रख दिए हैं दो homogeneous sphere, एक जैसे sphere, एक sphere जिसकी radius है 2a,
दूसरा स्फीयर चिपका दिया है जिसकी रेडियस है ए, ऐसे चिपका के रखे हैं, ये ए है ये बी है, ए का जो मास है वो एम है और बी का मास 2m है। क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट स्फीयर, तो जो ये जो पहला स्फीयर है ना इससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो इससे डिस्टेंस निकालेंगे x डायरेक्शन में, तो x cm सेंटर ऑफ मास होगा, क्या फार्मूला लगेगा, m1 यानी m इंटू इस मास की, इस पहले स्फीयर की इसी से इसी पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो जीरो प्लस, अब आ जाओ दूसरा 2m मास, अब इसके सेंटर की इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r a 3a डिवाइड बाय दोनों का मास का सम यानी 2m और m 3m, तो आप देखोगे m और 3 कैंसिल कर देता हूँ, xcm हमारे पास 2a आ गया है और यही आंसर है बी बॉम्बे, क्लियर। 19th में आ जाओ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, एक्चुअली जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास और मास की, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऑफ मास, लोकेशन की और मास की, तो हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो आप देखो हैवियर जो पार्ट होता है उसकी तरफ होता है, ठीक है ना, इसका मतलब मास और एक्स इन डिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो इस कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेज ऑफ पार्टिकल, ये आंसर 19 का होना चाहिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नेक्स्ट पेज पर, 20 ये भी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, अच्छी बात है इसमें सारे कोऑर्डिनेट दे भी दिए हैं, अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेट खुद निकालने पड़ते, तो इसमें भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट से पूछा है, इस पॉइंट ओरिजिन से पूछा है, तो मैं आपके पास फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक्स सी एम इक्वल टू क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, सबने पढ़ा है ये, m1 प्लस m2 प्लस m3 वैल्यू पुट कर दो, m1 पहला मास कितना है m, x1 मतलब इसी मास की इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है x1 0, m2 दूसरा मास वो भी m ही है, x2 यहां से यहां तक डिस्टेंस, x वाली डिस्टेंस देखनी है तो ये डिस्टेंस कितनी है a, प्लस m3 ये रहा m इंटू इसकी भी x वाली डिस्टेंस ये a/2, ठीक है, होल डिवाइड बाय तीनों मास का सम, तो आप देखेंगे ma प्लस ma/2 ये हो गया आपके पास 3ma/2 और नीचे 3m ऑलरेडी था तो ये कैंसिल करो, आंसर आया ये a/2, पहला आंसर a/2 होगा। अब ycm निकालेंगे ऐसे ही ycm, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइड बाय तीनों मास का सम, तो आप निकालोगे तो इसमें देखो यहाँ y1 0 y2 0 y3 क्या आ रहा है a√3/2, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा b बॉम्बे, क्लियर, ओके। चलो 21 पर आ जाए, ठीक है, 21 देखना, अ बॉम्ब ट्रेवलिंग इन ए पैराबोलिक पाथ, एक बॉम्ब ऐसे पैराबोलिक पाथ में आ रहा है, आना चाहिए तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ही मूव करता, लेकिन वो बीच रास्ते में एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पर कहीं एक्सप्लोड हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, सारे पार्टिकल धर धर हो गए, तो क्या उसका सारे फ्रैगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास अभी भी वैसे ही मूव करेगा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बीच रास्ते में फटा वो इंटरनल फोर्सेस के कारण फटा, तो इंटरनल फोर्सेस जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करते इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास बिना फटे जैसे आ रहा था अब भी सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो एज इट इज़ वैसे ही आएगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ को पहले फॉलो कर रहा था, तो आप अब आसानी से देख सकते हैं मैं इसमें कौन सा आंसर लगा दूँ,
move vertically downward, move in irregular, move in the parabolic path with, हाँ ये answer हो जाएगा D Delhi, okay? चलिए 22 पर आ जाओ. ये repeat हो गया है फिर से. Internal force क्या कर सकते हैं? Internal forces kinetic energy को change कर सकते हैं, linear momentum को change नहीं करेंगे, ठीक है? चलो 23 पर आ जाओ. टू ऑब्जेक्ट 200 ग्राम 500 ग्राम के थे, टेन आई, और ये इसकी वेलोसिटीज़ हैं अलग अलग, वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास. अब इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है वी सी एम इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एंड सो ऑन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू. मेरे ख्याल से इसको आसानी से निकाल दोगे. इसमें वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर लाओ मैं करी दूँ. अगर आप चाहें तो 200 वी वन की वैल्यू कितनी है, 10 आई. एम टू कितना है, 500. वी टू कितना है, 3 आई प्लस ये 5 जे होल डिवाइड बाय 200. 500 कितना हो गया, 700. दो जीरो तो यहाँ से उड़ा दीजिए आप. ये 20 आई हो गया है प्लस 5 3 जा 15 आई हो गया है और ये यहाँ पर 25 जे हो गया है. मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है. 20 आई 15 आई, ये आ गया 35 आई, तो 5 आई हो गया. 5 आई प्लस 25/7 यानी बी बॉम्बे हो जाए, ये सी कैलकटा, ये आंसर होगा, ठीक है. 5 आई प्लस 25/7 जे, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर आते हैं. थियोरेटिकल क्वेश्चन है. क्या बोला है, अ बॉल कैप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स मूव इन बॉक्स moves in the box making collision with the walls. The box is kept on a smooth surface. Center of mass. देखिए center of mass जो है box का और ball का constant रहेगा. तो ये answer लगाओ, box plus ball ये constant रहेगा क्योंकि सारे force क्या है, internal forces हैं. चलो इधर आ जाओ 25 पे. अब इसमें 3 particles 1 kg 2 kg 3 kg और इतने इतने तीन ये फोर्स दिए हुए हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास के एसेलरेशन जब लेंगे ना, वेलोसिटी जैसे ही होता है, ए सी एम इक्वल टू एम वन ए वन वैक्टर प्लस एम टू ए टू वैक्टर प्लस एम थ्री और क्या आ जाएगा, ए थ्री वैक्टर होल डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. आपको क्या करना है, देखो एम वन एसेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन एम, एफ वन अपॉन एम वन कर दूँ क्या, एम टू एफ टू अपॉन एम टू प्लस एम थ्री बोलो इन टू में एफ थ्री अपॉन एम थ्री. तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना आपस में, डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. अब आप कर लोगे, ये बन रहा है सीधे एम वन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री होल डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू लिख के ऐड कर दो, डिवाइड बाय मास कर दो, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट निकाल लेना. अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, आई जे के मल्टीपल हैं, रिजल्टेंट वैक्टर में जैसे निकालते हैं वैसे, ठीक है. तो 25 का क्या आंसर आना चाहिए बता दीजिए, रूट 14/6, ओके. चलिए क्वेश्चन 27 पर आते हैं, ठीक है. अ मैन ऑफ मास एम स्टैंड्स एट वन एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ओके. एक प्लैंक है आपके पास इस तरह से जिसकी लेंथ एल है, विच लाइज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक. एक मैन जो यहां पर है वो इस एंड पर आना चाहता है ए से बी पर. इफ द मास ऑफ प्लैंक, प्लैंक का मास m बाय 3 है और पर्सन का मास m है. द डिस्टेंस दैट मैन मूव्स रिलेटिव टू ग्राउंड, ये मैन रिलेटिव टू ग्राउंड कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. देखिए ये मैन जब इस पर चलेगा तो इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो l लेंथ कवर करेगा जब b पर आ जाएगा, लेकिन जब ये m मास का जो मैन है वो b पॉइंट पर आ जाएगा तो ये इसके चलने से जो भी हलचल होगी
वो तो इसके इंटरनल होगी, और इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं करते, उसकी लोकेशन को चेंज नहीं करते। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखूं मैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैन बी पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होने देने के लिए ये प्लैंक को भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ मूव करना पड़ेगा। तो प्लैंक को कुछ मूव करना पड़ेगा, तो अब ये मान के चलते हैं कि प्लैंक इधर खिसक गया, ठीक है, ये यहाँ कहीं खिसक गया है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से इधर खिसक गया। तो ऐसा सोचो कि मैन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सपोज एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ी, तो प्लैंक को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज करने नहीं करने के लिए एल माइनस एक्स डिस्टेंस खिसकनी पड़ेगी। ओके, तो अब एक काम करते हैं, मैन का मास इनटू डिस्टेंस कितनी कवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स, इक्वल होना चाहिए प्लैंक का मास एम बाय थ्री इंटू प्लैंक कितना खिसका एल माइनस एक्स। ऐसा ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हुई, तो एक्स सी एम जो सेंटर ऑफ मास था एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, हम अगर वेक्टर फॉर्म में लें, डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं ना, जहाँ था वहीं रहा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जहाँ पर है वहाँ को ओरिजिन मान लें हम, तो ये तो जीरो रहा, ये इसका यहाँ ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ जीरो हो गया, तो दैट मीन्स एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसी का यूज़ हमने यहाँ किया है, एम वन एक्स वन इक्वल टू एम टू एक्स टू डायरेक्शन के साथ। अब आपको केवल x फाइंड करना है, यही पूछा है उसने, तो m को कैंसिल कर दूं, x इक्वल टू ये रहा वन बाई थ्री का, थ्री का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, थ्री एक्स इक्वल टू एल माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया, फोर एक्स इक्वल टू एल, तो x इक्वल टू कितना हो गया l बाय फोर, यही हमारा आंसर है l बाय फोर, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स फोर टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, देन न्यू मोमेंटम विल बी मोर देन इट्स इनिशियल मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है अंडर रूट टू एम ई, ई है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी रूट में। अब इसने पूछा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को फोर टाइम्स कर दूं तो मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू 100%, यही परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है, तो रूट ई टू माइनस रूट ई वन डिवाइड बाय रूट ई वन इंटू 100% वैल्यू पुट कर दो, बस ई टू फोर टाइम्स कर रहे हैं, तो फोर रूट माइनस, इसको रूट वन ही ले लेता हूँ मैं, इसको रूट वन ले लेता हूँ, ठीक है, ई वन को वन मान लिया, तो वन का फोर टाइम्स फोर हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। अब आसान है, फोर टू माइनस वन टू, 200% हमारे टू माइनस वन वन हो जाएगा 100, तो आंसर इज 100%, ठीक है, स्क्वायर रूट फोर है, टू माइनस वन वन, यानी 100%, आंसर इज बी बॉम्बे। 29 पर आते हैं, a bullet of mass small m is being fired from a stationary gun of mass capital M. If the velocity of bullet is v, then velocity of gun. ऐसा रहा है इसमें, ये आपके पास गन है, इससे ये बुलेट फायर हो गई है, तो बुलेट का मास स्मॉल m है, गन का मास कैपिटल M है, बुलेट की वेलोसिटी v है, और इसकी रिकॉयल वेलोसिटी पीछे की तरफ v है, कैपिटल v है, ये स्मॉल वी है, और इसके पहले गन और बुलेट एक साथ ही थी, तो इसलिए ये रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम एम भी, और ये
इसका हो जाएगा एम स्मॉल वी। ठीक है, अब आप देखोगे हमें तो ये फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ गन यानी कैपिटल वी ये फाइंड करना है। वी इक्वल टू क्या हुआ, माइनस एम बाय कैपिटल एम वी, यही आंसर है। ठीक है, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि बुलेट अगर राइट साइड जाएगी तो गन लेफ्ट साइड जाएगी, अपोजिट जाएंगी। तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वी, ये हमारा आंसर हुआ बी बॉम्बे। ठीक है ना, 29 कंप्लीट। चलो 30 पर आ जाओ। 30 में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी एंड ए हैवियर बॉडी आर सेम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की सेम है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोमेंटम, अब आप सोचो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला क्या होता है, 2ma2me के अभी देखा था, तो p डायरेक्टली, अच्छा इसमें दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज हायर फॉर हैवियर बॉडी, तो आंसर इज बी। ठीक है, मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। यस, 31 पर आ जाएं। चलो 31 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 31 अ बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी वन, ये एम मास की बुलेट वी वन वेलोसिटी से कैपिटल एम ब्लॉक से टकराती है और इसी से चिपक जाती है, स्टिक टू इट। इफ द ब्लॉक राइजेस टू ए हाइट h, h हाइट तक ये राइज करा, यहां तक इसके अंदर धस गई, तो m प्लस कैपिटल m दोनों कितनी हाइट तक राइज हुए, h हाइट तक। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट की जो वेलोसिटी है v1 ये फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, पहले टकराते समय तो अपन क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इसका m का कितना है, m v1, इसका तो जीरो है, फाइनली दोनों धस गए तो m प्लस m कैपिटल मास हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी v डैश से सपोज आगे बढ़े तो ये v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, m v1 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m, ये हमारे पास v डैश है। अब ये जो m प्लस m धस गया, स्मॉल m कैपिटल m के अंदर धस गया, तो एक जो बड़ा पार्टिकल बन गया ये ऊपर जा रहा है h वेलोसिटी, h हाइट तक, तो h हाइट तक जा रहा है तो यहां इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी हो गई, v डैश, ये वाली v डैश, इस v डैश वेलोसिटी से ऊपर गया, h हाइट तक गया, तो यहां फाइनल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कोई पार्टिकल को अगर मैं v वेलोसिटी से ऊपर फेंकूं h हाइट तक, तो वो h हाइट होती थी v स्क्वायर अपॉन 2g। आप कैसे निकालते थे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, तो वो होती थी h हाइट v स्क्वायर, यहां v डैश स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2g, बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, h v डैश कितना है वो देखो, आपके पास v डैश ये निकाला स्मॉल m v1 बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m का स्क्वायर इंटू 1 बाय 2g, 2g का h में मल्टीप्लाई करूं 2gh इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, m स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर। हमें ये v1 चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लिया तो रूट 2gh इंटू, ये दोनों इधर आ गए स्क्वायर रूट के बाद, m प्लस कैपिटल m बाय स्मॉल m इक्वल टू v1, यही हमारा आंसर है। मिलाइए कौन सा आंसर मिल रहा है, रूट टू जी एच स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। 32 पर आए, ये सीधा फॉर्मूला जो अपन अभी पिछले दो क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं, मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर एम एंड कैपिटल ई, देन वेलोसिटी वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंटम, तो ये पी इक्वल टू अंडर रूट 2me अभी तक यूज कर रहे हैं, वही फॉर्मूला है। 33 पर आ जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लाइज दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इज कंजर्व, यही आंसर है। ठीक है, चलो 34 को करें,
A bomb at rest has mass 60. 60 kg का बॉम्ब रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है, एक्सप्लोड हो गया. फ्रैगमेंट ऑफ 40 kg, एक 40 kg का फ्रैगमेंट जिसकी काइनेटिक एनर्जी K1 मान लेता हूं 96 जूल है. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर फ्रैगमेंट सपोज यहां कहीं हुआ 40 का, ये तो 20 का रहा होगा, वो 20 kg का, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये पूछा. एक काम करो, कोई बॉम्ब फट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती है मालूम है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो मोमेंटम कंजर्व करो. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, अभी अपन 2-3 क्वेश्चन में देख ही चुके हैं. पी इक्वल टू अंडर रूट 2ME, है ना. अब इसमें एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, और तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई हो जाएगा. अब मोमेंटम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ई और m में रिलेशन हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, दैट इज E2 बाय E1 इक्वल टू M1 बाय M2. E2 सपोज ये है 20 की, तो ये E2 फाइंड करनी है. E1 कितना है 96, M1 मास हो गया 40, M2 मास हो गया ये आपका 20, ठीक है 2, तो ये हो गया E2 इक्वल टू 96 इंटू 2, ठीक है. आंसर यस 192 जूल, ठीक है ना, क्लियर हुआ. सेम फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, लगातार 3-4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पी इक्वल टू अंडर रूट 2ME पर ही बेस्ड है, कहीं कोई विशेष चेंज नहीं है. तो ये 34 हुआ. अब हम 35 पर बात करेंगे. थर्टी फाइव देखिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक बात है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, वो कह तो बताना है. ए डज नॉट इम्प्लाई बी, बट बी इम्प्लाइज ए. देखते हैं ए सही है क्या. वो कहता है ए अगर लीनियर मोमेंटम अगर जीरो है सिस्टम का, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो ना है, जीरो होगी. देखिए काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मोमेंटम तो वेक्टर है. तो अगर एक मोमेंटम इधर हुआ और एक मोमेंटम इधर हुआ, सेम मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हुए, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोमेंटम तो नेट जीरो आने वाला है. या सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल हैं जिनका कुछ मोमेंटम है किसी डायरेक्शन में, कुछ मोमेंटम है किसी और डायरेक्शन में, तो सबका नेट मोमेंटम तो वेक्टर सम जीरो हो सकता है, लेकिन हर पार्टिकल की अगर स्पीड अलग अलग है, मास अलग अलग है, तो काइनेटिक नेट काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती है. तो इसका मतलब ए डज नॉट इम्प्लाई बी, यहां तक सही है, बट बी इम्प्लाइज ए. इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या मोमेंटम जीरो होगा, ये होगा. क्योंकि अगर देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो तभी हो सकती है ना जब सब पार्टिकल की या पूरे सिस्टम की हम अगर कहें स्पीड जीरो हो जाए. अब स्पीड जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम जीरो होना ही है, क्योंकि मोमेंटम में मास और स्पीड या वेलोसिटी का ही तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है. तो इसका आंसर लगाओ ए. सेक्शन बी पर आते हैं. अ मूविंग बॉडी ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी 3 km/h कोलाइड्स विद ए बॉडी एट रेस्ट एंड ऑफ मास 2m एंड देन स्टिक टू इट. नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव, देन कंबाइंड वेलोसिटी. कॉमन वेलोसिटी पूछिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इनलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, परफेक्टली इनलास्टिक का. तो एक काम करते हैं, m मास है और उसका मोमेंटम कंजर्व करा दो. m मास वेलोसिटी कितनी हो गई 3, ठीक है. दूसरा मास तो 2m है लेकिन वो रेस्ट में था, इक्वल टू कोलिजन के बाद दोनों चिपक गए तो m प्लस 2m हो गए और कॉमन वेलोसिटी वी डैश से चलने लगे. यही आंसर है, वी डैश इक्वल टू ये 3m डिवाइड बाय
3m, ये 3m डिवाइड बाय 3m, तो आंसर हो गया 1 किलोमीटर पर आर, हमारा आंसर हो गया डी दिल्ली, ठीक है। चलो 37 पर आ जाएं, 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लैक बुलेट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 950 ग्राम। फिर से पढ़ते हैं, ए 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ मास 950 ग्राम एट रेस्ट गेट्स एम्बेडेड इनटू इट देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी टकराई, उसी के अंदर धस गई, धसने के बाद वो कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ। तो ये भी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, इसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। परसेंटेज लॉस पूछा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो, इनिशियल कितनी 1/2 m1 v1 square। चलो निकालते हैं डेल्टा के बाय के इक्वल टू, इसमें 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय, देखना m1 plus m2, ठीक है, इनटू इधर कितना मिल रहा है 1/2 m1 v1 square। अभी ऐसे ही बना रहे, इसको इधर आ जाओ, इसमें दूसरा तो रेस्ट में था, एक की वेलोसिटी दी थी तो v2 तो रेस्ट में था, तो यहां v1 की जगह पर तो अपन लिख देते हैं v1 ही और v2 की जगह 0, v2 क्या था रेस्ट में था, ओके। अब आप देखोगे ना v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा k अपॉन k कितना आया m2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर रहा हूं अब मैं इसमें, m2 की वैल्यू है कितनी 950 अपॉन m1 प्लस m2 ऐड करोगे तो 1000 हो जाएंगे, दोनों ग्राम में थे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये फ्रैक्शनल चेंज आएगा और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 ये चले गए तो ये 95% आ जाएगा, एक जीरो इधर से भी उड़ जाएगी, तो आंसर इज 95%, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो 38 पर आ जाएं, अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन एक्सप्लोड्स इन एयर इट्स टोटल मोमेंटम डिक्रीजेस, मोमेंटम तो चेंज होता नहीं है, मोमेंटम इंक्रीजेस नो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सी लगाओ। देखो ये तीन क्वेश्चन आ गए अभी ऐसे में, इंटरनल फोर्स क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है, चेंज कर देता है। अब आ जाओ 39 पर, चलिए क्वेश्चन 39 पर आते हैं, मैन ऑफ मास स्मॉल m क्लाइम्स ऑन ए रोप ऑफ लेंथ कैपिटल l, एक यहां पर l लेंथ की रोप है, ठीक है, एक मैन इसके ऊपर चढ़ेगा, m मास है, एक बलून, द बलून इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रोप जो बंधी हुई ना ये एक बलून से बंधी हुई है, ठीक है, ये बलून का मास कैपिटल एम है, इफ द मैन बिगिंस टू क्लाइम, ये मैन ऊपर चढ़ने लगा कितनी स्पीड से, वी रिलेटिव, इसकी स्पीड है मैन की वी रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिलेटिव है, रोप के रिस्पेक्ट में, रोप मतलब बलून, तो अपन माने बलून की वेलोसिटी सपोज वी टू है और मैन जो चढ़ रहा है उसकी स्पीड वी वन है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वी रिलेटिव क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जिसके रिस्पेक्ट में होती है माइनस कर दो वी वन माइनस वी टू, ठीक है, तो वी रिलेटिव आया वी वन माइनस वी टू, ठीक बात है। अच्छा अब एक काम करते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है तो बलून को नीचे आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले जो सिस्टम का जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा
मैन जब ऊपर चढ़ेगा तो उसके चढ़ने से, उसके क्लाइंब होने से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होने वाली नहीं है। क्यों चेंज होने वाली नहीं है? क्योंकि जब वो ऊपर क्लाइंब करेगा तो कुछ फोर्स लगाएगा, वो फोर्स उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा। जब इंटरनल फोर्स होगा तो फिर लोकेशन चेंज होने वाली नहीं है। जब लोकेशन चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। पहले कितनी थी? जीरो। तो अब भी वही रहेगी, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला VCM क्या होता है? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। चलिए VCM हो गया जीरो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी जीरो हो गया। तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू मैं यहां पर कर सकता हूं। अब बड़ा आसान हो गया है कि मुझे वेलोसिटी किसकी निकालनी है? बैलून की, ठीक है, वेलोसिटी बैलून की निकालनी है। तो वैल्यू पुट करता हूं, एम वन मैन का मास है स्मॉल एम, वी वन वी वन वेलोसिटी मैन की वी वन ही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं ये सब, एम टू कैपिटल एम है। तो बैलून की वेलोसिटी हुई सपोज वी टू, और ये वी टू फाइंड करनी है अपने को। एक काम करें, इसको इधर खींच लें, माइनस एम वी वन, और वी वन की वैल्यू यहां से रख दे। वी वन की वैल्यू कितनी है? वी रिलेटिव प्लस वी टू, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल एम वी टू। मुझे वी टू फाइंड करना है, तो एक काम करूं, इस एम का पहले मल्टीप्लाई करूं, माइनस एम वी रिलेटिव माइनस एम वी टू इक्वल टू कैपिटल एम वी टू माइनस एम वी रिलेटिव, इसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये वी टू मेरे पास कॉमन आ गया। वी टू मुझे फाइंड करना है, तो वी टू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एम वी रिलेटिव होल डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यही आंसर है। माइनस साइन शो कर रहा है कि डाउनवर्ड जाएगा, तो कौन सा आंसर हुआ? एम वी रिलेटिव, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन 39 हो गया 40 पर। अ ब्लॉक मूविंग इन एयर एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स देन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। देखो फिर से वही आ गया कि इसमें जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए कि नहीं है, ठीक है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट्स मस्ट बी सेम एज, ये तो जरूरत नहीं है कि सेम ही हो, टोटल चेंज होना चाहिए, नो। आंसर हो जाएगा ए, टोटल मोमेंटम इसका क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक है। टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात चल रही है यहां पर, तो ये कंजर्व रहेगा। चलो अब आगे आते हैं हम 41 पर। 41 में अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम कोलाइड्स अगेंस्ट ए वॉल विद ए वेलोसिटी वी एंड रीट्रेसेस इट्स पाथ विद सेम स्पीड द चेंज इन मोमेंटम। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके पास वॉल है, एक एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से गया और वापस में वी वेलोसिटी से ही वापस आ गया, अब वेलोसिटी वी स्पीड से वापस आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये माइनस एम भी होगी ये डायरेक्शन, ये वाली प्लस एम भी होगी। वो बोल रहा है इनिशियल डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, ये वाली पॉजिटिव, तो ये जब टकरा के वापस आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो वो पी टू माइनस पी वन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हुआ? माइनस एम भी, इनिशियल कितना था? एम भी। अवर आंसर इज माइनस टू एम भी, यही आंसर है डी डेली, ठीक है। चलिए 42 पर आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन है। मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल एज शोन इन फिगर, इट रीबाउंड्स विद सेम स्पीड इफ द कॉन्टैक्ट टाइम इज इतना, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास ऑफ द बॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन 42 करते हैं, ठीक है। मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स विद वॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल एज शोन इन फिगर। इट रिबाउंड्स विद सेम स्पीड इफ द कॉन्टैक्ट टाइम इज 2×10⁻³ सेकेंड। वॉट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल। ठीक है, तो बॉल वॉल व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास। ये जो मास पर वॉल द्वारा दीवार द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो फाइंड करना है। चलिए करते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा अगर इसको ब्रेक करूँ ना मैं, देखो ये ऐसे जा रहा है, सपोज वी वेलोसिटी से ये जा रहा है, वो दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कंपोनेंट करूँ अगर मैं इसके, तो ये 60 है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वी कॉस 60 और इस डायरेक्शन में होगा वी साइन 60। इधर आ जाओ, ये वी है तो इसका इस डायरेक्शन में होगा वी कॉस 60 और इस डायरेक्शन में क्या होगा वी साइन 60। आप देखोगे वी कॉस 60 में तो कोई चेंज नहीं आया, ना तो मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। वी साइन 60 इधर था, अब वी साइन 60 अपोजिट हो गया, मतलब यहां पर वेलोसिटी में चेंज आया है। तो पी टू कितना हो गया, मास इंटू वी साइन 60। माइनस लगा देता हूं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है फाइनल वाला, माइनस इनिशियल कौन सा था एम वी साइन 60 होल डिवाइड बाय टाइम। ये हो गया माइनस 2m वी साइन 60 डिवाइड बाय टाइम। वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस 2, मास कितना दिया था 100 ग्राम यानी 10⁻³ कर लूं, ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, वी है 5, ओके। साइन 60 होता है √3/2 होल डिवाइड बाय टाइम, टाइम था 2×10⁻³। अब कुछ नहीं करना, अपन सीधे सीधे इसमें ये कैंसिल कर देते हैं, ये सब कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 2 से ये भी कैंसिल हो गए 50, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, √3 का। ठीक है, माइनस साइन ये बता रहा है कि इसके अपोजिट है, तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट, आंसर इज 250√3 न्यूटन टू लेफ्ट। चलिए 43 पर आ जाए। इन द फिगर शोन द ब्लॉक ए कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर ब्लॉक बी एट रेस्ट। ठीक है, मास ऑफ बी ट्वाइस द मास ऑफ ए, ब्लॉक ए स्टॉप्स, ये रुक जाता है टकराने के बाद, ए पहला वाला रुक जाता है। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्था गुणांक निकालना है। प्रत्यास्था गुणांक होता है v2-v1/u1-u2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ जब दूर दूर जाती है, ठीक है, उनका और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ये रेशियो है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कह सकते हैं अप्रोच का ये रेशियो होता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ v2, v2 का मतलब है b की फाइनल वेलोसिटी, मान लो v2 ही है, v1 है a की टकराने के बाद वेलोसिटी, तो a तो रुक गया है तो ये जीरो हो गई। u1 a की इनिशियल वेलोसिटी u1 ही है, लेकिन u2 यानी b की इनिशियल वेलोसिटी वो पहले से ही रेस्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पर v2/v1 बना। अब हम एक काम करते हैं, कोलिजन कोई सा भी हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगता ही है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं, m इंटू इसकी वेलोसिटी सपोज u1, ये तो रेस्ट में ही है, अब टकराने के बाद ये रेस्ट में आ गया तो जीरो, इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई v2, तो आप देख रहे हैं v2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, u1 बाय कितना आ गया 2, यहां रख देता हूं v2 की जगह u1/2 और ये u1 पहले से ही है, ये कैंसिल हुआ 1/2 आंसर आया, मतलब 0.5।
ए आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 पर आते हैं. अ बॉल रीबाउंड्स आफ्टर कोलाइडिंग विद फ्लोर देन इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक की बात कर रहा है. केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड बॉल. हाँ, ये सिस्टम का हमें मालूम है मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी. सिस्टम में कौन आएगा, अर्थ और बॉल. 45 पर आते हैं, थोड़े से और बचे. 45. अ स्कूटर ऑफ 40 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी 4 m/s collides with another scooter of 60 kg mass and moving with velocity 2 m/s. ठीक बात है. After collision the two scooter stick together to each other. ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. Sticks to each other, the loss in kinetic energy. Kinetic energy का loss कितना होगा. तो ये सिंपल फॉर्मूला है kinetic energy का loss का, 1/2 m1 m2/m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटीज होती हैं ये इसकी. आप v1 - v2 भी लिख दें तो उनको फिर आप इनिशियली मानना. आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास में तो ये इनिशियल वेलोसिटी ही थी. 1/2 m1 कितना है, 40 है. जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आजकल काफ़ी नीट में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं. 40 ये हो गया, 60 / m1 + m2 ऐड कर दो, 100 हो गया. U1 कितना दिया है आपको, पहला 4 दिया है, दूसरा 2 दिया है, होल स्क्वायर कर दो, ये 2 0 उड़ा दो, ये 12 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. आंसर 48 जूल आंसर होना चाहिए, थर्ड. ठीक है, सिंपल है. ओके, 46 पर आ जाएं. में वन स्फेयर collides with another sphere of same mass at rest. एक स्फेयर था, वो कोलाइड किया दूसरे स्फेयर से जो कि रेस्ट में है. इनइलास्टिकली, ओके, इन शब्दों पे ध्यान दिया करो. इनइलास्टिकली, इलास्टिकली, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e = ये 1/2 दिया है, प्रत्यास्थ गुणांक, ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्षतिपूर्ति गुणांक इसको कहते हैं, क्षतिपूर्ति गुणांक, ये 1/2. द रेशियो ऑफ देयर स्पीड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो उनकी स्पीड होंगी, m1 की सपोज v1 हुई, दूसरे m की सपोज, हालांकि दोनों बराबर हैं, v2 हुई, तो v1/v2 फाइंड करना है. चलिए करते हैं. पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो. m और इसकी वेलोसिटी है सपोज u, या u1 मान लो. ठीक है, इसकी तो 0 है, इसका मोमेंटम 0. टकराने के बाद m into v1 + m into v2, यही हुआ. m कैंसिल कर दो तो u1 = मिला v1 + v2. फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e = क्या फार्मूला, v2 - v1 / फिर उल्टा कर दिया करो, u1 - u2. ठीक है, e 1/2 दिया है, v2 पता नहीं है अपने को, V1 भी पता नहीं है, लेकिन U1 भी पता नहीं है, U2 पता है, जो कि 0 था, रेस्ट में था. ठीक है, यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं कि ये जो 1/2 = v2 - v1 है, U1 की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन से रख सकता हूं, v1 + v2. ठीक है, अब मुझे तो रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, v1/v2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका 2 का इधर कर लो, 2v2 - 2v1 = v1 + v2. देखो 2v2, ये v2 इधर आया, 2v2 से v2 माइनस हो गया, तो कितना बचा, v2 ही बचा, बराबर ये इधर पहुंच गया, तो ये 3v1 हो गया. दैट मीन्स v1/v2 = 1:3, यही हमारा आंसर है, सी. क्लियर, गुड. 47 पर आ जाए. देर आर 100 आइडेंटिकल स्लाइडर्स इक्वली स्पेस्ड ऑन ए फ्रिक्शन लेस ट्रैक्स एज शोन इन फिगर. इनिशियली ऑल द स्लाइडर्स आर एट रेस्ट. स्लाइडर 1 इज पुश्ड विद वेलोसिटी वी. स्लाइडर 2
इन कोलिजन द स्लाइडर्स स्टिक टुगेदर, कोलिजन में ये चिपक गए. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेट ऑफ 100 स्टक्ड स्लाइडर, ऐसे ये चिपकते जाते हैं और पूरे 100 के 100 चिपक गए. तो इस 100 टोटल चिपके हुए जो स्लाइडर्स हैं इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो. इनिशियल मोमेंटम, ये जो मास पहला है इसका मास m मान लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम m भी हुआ और बाकी सारे रेस्ट में थे तो उनका मोमेंटम जीरो. इक्वल टू टकराने के बाद चिपक गए तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल हो गया 100 m. अब कितनी वेलोसिटी से गए? मान लो वीडियस वेलोसिटी से, कॉमन वेलोसिटी आ गई तो m से m कट गया, वीडियस इक्वल टू वी बाय 100. यही हमारा बी आंसर होगा, ठीक है ना, सिंपल. चलो आगे बढ़ो. 48. एन आयरन बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री. देखो ये वॉल है, एक दीवार पर एक बॉल ऐसे 30 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है. कितनी स्पीड से? वी स्पीड से, जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है. रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई. इफ द बॉल एंड वॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.1 सेकेंड, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड के लिए, रेस्ट में रहते हैं 0.1 सेकेंड के लिए, कोलाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहते हैं. द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल, वॉल पर लगने वाला फोर्स, चलो करते हैं. और बड़ा आसान है, वही अभी जो पढ़ा था, F इक्वल टू डेल्टा P बाय टी, ठीक है. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यहां निकालोगे तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री है, V cos 30 डिग्री, ऐसे इसका भी 30 डिग्री है, तो इसका भी कंपोनेंट V का क्या होगा? V cos 30 डिग्री. तो इधर मतलब वॉल की डायरेक्शन में तो चेंज आया ही नहीं, चेंज जो आया ये जो v का 30 डिग्री वाला कंपोनेंट ये हो गया, और ये कंपोनेंट होगा v साइन 30, और इसका क्या होगा इधर, इसका इस डायरेक्शन में होगा v साइन 30 डिग्री. ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो डेल्टा p मतलब इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो बस, मास m v साइन 30, और इनिशियल कितना था m, इनिशियल कितना था m v साइन 30 अपॉन टी, तो ये 2m भी साइन 30 हो गया डिवाइड बाय टी. वैल्यू पुट करो, यही आंसर है. तो 2, मास कितना था 100 ग्राम, 10^-3, ठीक है. वी वेलोसिटी कितनी है 10 है, साइन 30 1/2 होता है, होल डिवाइड बाय टाइम 0.1 सेकेंड दिया था, ठीक है. तो 1, 2, 3 ये उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 0.1, 1/0.1 यानी 10, आंसर इज 10 न्यूटन, ठीक है. चलिए 49 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. अ शेल एक्सप्लोड्स इन ए रीजन ऑफ नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फील्ड यूजिंग आउट ऑफ n फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल मास देन इट्स टोटल. एक गोला था किसी रीजन में जो ग्रेविटेशनल फ्री रीजन था, ठीक है, वो फट गया, उसमें से n टुकड़े बाहर निकले mm मास के. तो इट्स टोटल, टोटल क्या कंजर्व रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट में क्लास में पढ़ाई है, और अभी एक दो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड अभी आए भी हैं. तो कौन सा लगाऊं बताओ, कौन सा आंसर होना चाहिए? मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू दैट बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के बाद जो नेट जो मोमेंटम है वो कैसा होना, ये होना चाहिए कंजर्व. ये तो लेस बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो लेस तो होगी नहीं, बढ़ जाएगी, इक्वल नहीं होना. मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, ये कुछ नहीं है, ये लगाओ डी डेली. चलो 50 पर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन इसका. ड्यूरिंग द हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू मासेस 1 kg एंड 2 kg
द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन. एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन किसका मतलब, इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है. एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन तो इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन रहा होगा ये, तो इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है 1/2 m1 m2/m1+m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर. ये u1 - u2 रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की पूछी है उसने, तो डेल्टा के हो गया 100/3 ये लॉस है, 1/2 m1 कितना है आपके पास 1, m2 2, 2 और 1 3 और u1 - u2 पूछा है होल स्क्वायर है ये. तो आप देखो जरा यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u1 - u2 स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो 10 रह गया हमारा आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट पेपर को संभाल के रखिएगा. ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो क्वेश्चंस आप यहाँ रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगता हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा या जो है बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा. ठीक है, फास्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि अपन हम पहले से ही पढ़े हुए हैं, अब केवल थोड़े से हिंट की ही जरूरत है. फिर भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और स्लो बताना चाहिए था, ये थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करना चाहिए था, तो आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, मैं आपको अलग से उसका पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का ही वीडियो सॉल्यूशंस थोड़ा सा और विस्तार से बना दूंगा. ठीक है, तो पढ़ते रहिए. थैंक यू, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में.